हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। सो दिस इज अ रिक्वेस्टेड वीडियो। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि मसाज के टाइम पर आपको किन किन चीजों को कंसीडर करना चाहिए। तो मुझे उस वीडियो पर कुछ कमेंट्स मिले जिसमें पूछा गया था कि आप अपने बच्चे की किस तरह से मसाज करते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो वही सारे कमेंट्स कलेक्ट करके मैं एक वीडियो आज आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें मैं बता रही हूँ कि किस तरह से मैं अपने बच्चे की मसाज करती हूँ। एंड यही सब सर्च करते हुए कि मैं किस तरह से एक वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊं, मुझे एक वीडियो मिला जिसमें शिवाय 4 मंथ्स का था। उस टाइम पर शिवाय की मसाज करने के लिए एक मालिश वाली आंटी हमने लगाई हुई थी। वो रोज आती थी, शिवाय की मालिश करती थी एंड उसके बाद शिवाय को नहला धुला के अच्छे से कपड़े वपड़े पहना के वो जाती थी। तो वो वीडियो मैं इस वीडियो में अटैच कर रही हूँ, होपफुली वो आपको अच्छा लगेगा। तो ये तो थी बहुत क्यूट सी वीडियो मेरे क्यूट से बेटे की, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं बता रही हूँ आपको वो मसाज स्टेप्स जो मैं यूज करती हूँ अपने बच्चे की मसाज करने के लिए। दो ये वीडियो मैंने बनाई है अपने 16 मंथ्स के बेबी के लिए, बट यही स्टेप्स मैं यूज करती थी जब वो छोटा था। एंड यही सारी स्टेप्स जो भी मैं मालिश के स्टेप्स कर रही हूँ, जो मैं उसके साथ एक्सरसाइज करूंगी, यही सारी एक्सरसाइज आप अपने न्यू बॉर्न बेबीज के साथ भी कर सकते हैं। आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, पहले आप वीडियो देख लीजिए उसके बाद हम वो सब डिस्कस करेंगे। Thank you.
तो ये थी वीडियो कैसे हम करते हैं शिवाय की मसाज। इस वीडियो में मैंने शिवाय को डायपर पहनाया है, बट जनरली हम शिवाय को बिना डायपर के मसाज देते हैं। ये वीडियो मैं आपके लिए शूट कर रही थी, इसलिए मैंने उसको डायपर पहनाया ताकि मेरा बच्चा बड़ा होकर ये ना बोले मम्मा आपने मेरे साथ क्या कर रखा है, मेरी वीडियो ऐसी पब्लिकली डाली हुई है और कुछ पहनाया भी नहीं हुआ है। तो इसलिए मैंने उसको डायपर पहनाया है। प्लस वीडियो बनाना शिवाय के लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए मैंने इस वीडियो बनाने के लिए उसको यूट्यूब पे मैं कुछ राइम्स चलाई हुई थी, तो वो हैप्पीली उस राइम को देख रहा था एंड मसाज करवा रहा था। तो हमारे लिए पॉसिबल हो पाया कि हम आपके लिए एक वीडियो कर सके कैसे हम शिवाय की मसाज करते हैं। अब बात आती है मैंने कौन सा तेल यूज किया। तो मैं यूज करती हूँ मैक्स केयर का वर्जिन कोकोनट ऑयल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके अलावा मैंने ये जो वीडियो बनाई है ये 4 to 5 मिनट्स के लिए, बट जनरली हम शिवाय को 10 मिनट्स तक मसाज देते हैं। यही स्टेप्स हम रिपीट करते रहते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है तो भी आप न्यूबॉर्न बेबीज के ऊपर भी सेम स्टेप्स यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। कुछ मैंने एक्सरसाइजेस दिखाई हैं, कुछ हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए, लेग कोऑर्डिनेशन के लिए, इसी तरह से हैंड एंड लेग कोऑर्डिनेशन के लिए जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस दिखाई हैं, ये आपको न्यूबॉर्न बेबीज के साथ जरूर करनी है। बच्चों की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है तो वो इजीली आप कर सकते हो। ये एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे की बोन्स के लिए, तो ये एक्सरसाइज आप रिपीट कीजिए। मैंने यहाँ पे 3 to 4 times दिखाई है, आप 8 to 10 times रिपीट कर सकते हो। एंड जो मोर इम्पॉर्टेंट है वो है बैक मसाज। बैक मसाज आपको अपनी न्यूबॉर्न बेबीज को बहुत अच्छे से देनी होती है, क्योंकि यही बैक मसाज उसको सपोर्ट करती है जब उसका बैठने का टाइम आता है। जनरली बच्चा 6 to 7 months पे बैठना शुरू करता है, बट अगर आप मसाज प्रॉपरली करोगे बच्चे की तो वो 6 months से पहले भी बैठ सकता है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई मैं वीडियो डालूं तो आप उसे मिस ना करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर माय पर्सनल अपडेट्स मेरे और शिवाय से रिलेटेड, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।